The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hello, welcome दोस्तों. आज हम explain करेंगे 2023 में आई टाइगर श्रॉफ की नई मूवी गणपत. ये मूवी एक डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, जहाँ पर फ्यूचर्स में क्या क्या हो सकता है उनको बेस करके ये मूवी को लिखा गया है. तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे. पर उससे पहले एक बात, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपके लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें. मूवी के शुरुआत में हम कुछ गरीब लोगों को देखते हैं जो कि सड़क पे सोए हुए हैं. उनमें से एक का बच्चा बोलता है, माँ क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमारा क्या कुछ नहीं होगा, मैंने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया. उसकी माँ बोलता है, जरूर एक दिन हमारा मसीहा गणपत आएगा, दलपति ने बोला था कि वो आएगा और हमको बचाएगा. फिर हमको अमिताभ बच्चन जी के नरेशन सुनाया जाता है जो कि बोलते हैं, वो बोलते हैं पृथ्वी में जंग होते गए, जंग होने की वजह से कुछ जगह पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ जगह अब सिर्फ रहने के लायक है, उनमें भी अमीर लोगों ने कब्जा कर लिया है, ये जमाना बहुत हाईटेक है, दोनों भागों में बांट दिया गया है, जहाँ पर रहते बहुत ही अमीर लोग उनके हाईफाई महल में, इसे बोला जाता है सिल्वर सिटी, और इधर रहते गरीब लोग उनके फैलाए गए कचरे पे ये लोग जिंदा रहते हैं. अमीर लोग इन गरीब लोगों को कैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं, ये तक कि इनके बच्चों को भी नहीं छोड़ते. और इन दो दुनिया के बीच में एक दीवार खड़ा हुआ है जिसको एक दिन हमारा गणपत आके मिटाएगा. फिर उस हाईटेक सिटी में हम गुड्डू को देखते हैं जिनका किरदार निभाया है टाइगर श्रॉफ ने. वो हमेशा मस्ती में रहता था, बहुत से लड़की के साथ खेलना, गाड़ी से घूमना, पैसा उड़ाना, उसका रोज का रूटीन था. गुड्डू बाहर निकलता है और गाड़ी से घूमते हुए हर एक बंदे का इंट्रोडक्शन कराता है. यह है कैजाद जो कि गुड्डू के साथ बहुत अच्छा रहता है, मतलब गुड्डू का खास है. और यह है सीनियर जो कि जॉन का खास है, वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं. और यह है जॉन जो कि पूरे गेम को देखता है, पर उसके ऊपर भी एक बंदा है. और जॉन बोल नहीं पाता तो उसके अपने सर के पीछे एक चिप लगाया है जिसके माध्यम से वो बोलता है. और गुड्डू काम करता है जॉन के लिए, वो गरीबों के बस्ती में जाके उधर से फाइटर उठाता है, और उधर से फाइटर उठा के जॉन अपने रिंग में उसको खिलवाता है. और इधर लगते हैं सट्टे, जो जीतता है वही पैसा कमाता है, पर हर बार जॉन ही जीतता है. पर जो भी पैसा जॉन कमाता है उसका अच्छा खासा हिस्सा उसको दालिनी को देना पड़ता है, और वो पैसे लेने के लिए आते हैं शाइना. मतलब जॉन के ऊपर भी एक बॉस है जिसका नाम है जालिनी. मतलब गुड्डू हर टाइम मस्ती पेलता रहता था, किसी भी लड़की के साथ कभी बेसट हो जाना, उसके साथ रात बिताना उसका डेली रूटीन था. पर भाई ने जॉन के गर्लफ्रेंड के ऊपर ही हाथ मार लिया था, और वो बात जाके जॉन को शाइना बता देती है. फिर क्या होना था, जॉन ने उन दोनों को गाड़ी में रंगे हाथों पकड़ लिया था, और उसके सोल्जर चले गए थे गुड्डू को बाहर लाने के लिए. फिर क्या, गुड्डू गिरगिराता है पर जॉन नहीं मानता और बोलता है इन दोनों को ही जिंदा दफना दो. उन दोनों को वो लोग दफना देते हैं, पर कैजर का मन नहीं मानता. वो गुड्डू के कब्र के ऊपर एक फूल रख के बोलता है, दलपति ने बोला था कि तुम ही गणपत हो, पर उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई. असलियत में कैजर भी उन गरीबों के बस्ती से इधर आया था गरीबों को धोखा देके, पर मनीमन वो प्रायश्चित करने के लिए गुड्डू को संभाल कर रख रहा था. पर भगवान को मानो गुड्डू का मरना रास नहीं आया, वो ऊपर से बारिश करवा देते हैं, और बारिश होने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं कब्र के नीचे से एक हाथ निकलता है जो और किसी का नहीं गुड्डू का होता है. पर उस टूटे हुए चर्च में कैजर और सीनियर बैठे हुए थे, और जॉन के लोग भी अंदर आते हैं गुड्डू को मारने के लिए, पर वो उन लोगों को हरा देता है, और आखिर में कैजर सीनियर को गोली मार देता है. और गुड्डू को बोलता है, तुम्हें अगर जिंदा बचना है तुम उस गरीबों के बस्ती में जाओ और जाके बोलना मुझे शिवा से मिलना है, दलपति का भविष्यवाणी सही हुआ, तुम ही गणपत हो और इसका जवाब तुमको उधर ही मिलेगा. फिर क्या, गुड्डू उधर से निकल जाता है और सीधा पहुंचता है गरीबों के बस्ती पर. और इधर काइजर ने जो गोली सीनियर पे चलाया था उसे गले को छू के निकल जाता है, और सीनियर पूछता है गुड्डू किधर है. वो बोलता है मैंने तो उसके दफना दिया था, पर उधर से भाग के वो निकल गया, क्योंकि सीनियर को लगता है कि काइजर ने गोली गुड्डू को मारने के लिए चलाया था, पर असलियत कुछ और थी. और गरीबों के बस्ती में पहुंच के गुड्डू हर किसी से शिवा का पता पूछने लगा, और वो लोग तो पहले गुड्डू को मना कर देते हैं, और वॉकी टेकी में जैसी को बता देता है कि कोई शिवा का पता पूछ रहा है. गुड्डू थका हारा एक चाइनीज रेस्टोरेंट पे जाता है, और खाना खाने के बाद जब वेटर उसको बिल देता है वो बोलता है बिल देना मेरा आदत नहीं है, और बिल फाड़ देता है क्योंकि वो तो पहले बहुत मस्ती करा करता था सिल्वर सिटी में. फिर क्या, वो लोग उसको मारने लगे, तभी उधर जेसी आती है और सबको मार भगाती है, लाइक मानो उसे ट्रेनिंग मिला है ऐसे फाइट करने का. जेसी फिर गुड्डू को लेके बाइक से रेगिस्तान के दूसरे छोर में जाके उसे पूछताछ करती है, किसने तुमको भेजा. उसने बोला कि मुझे काइजर ने भेजा है शिवा से मिलने के लिए, और वो बोलता है कि मैं ही गणपत हूँ. फिर हम देखते हैं गणपत नाम सुनते ही जेसी उसे शिवा के पास ले आता है. वो शिवा से आके बोलता है इसने बोला कि ये गणपत है और काइजर ने इसको भेजा है. शिवा कुछ देख नहीं सकता पर उसको फील जरूर कर सकता है. उनसे मिलने के बाद शिवा उसे बताता है इधर का असलियत तुमको पता है, ये जगह पूरा खंडर हुआ करता था, इधर गरीबों की बस्ती थी, तुम्हारे दादाजी दलपति ने इधर रोशनी की थी, उन्होंने सोचा लोगों को मकसद देना पड़ेगा और हमारा वॉरियर हमको ढूंढना पड़ेगा, तभी उन्होंने कुश्ती का रिंग इधर शुरू किया था, जो इधर अव्वल दर्जे का कुश्तीबाज होगा वही ये गरीबी और अमीरी का फर्क मिटाएगा, वही वो दीवार गिराएगा. गुड्डू बीच में उन लोगों का बात काट देता और बोलता है मैं स्टोरी से बोर हो रहा हूं, मुझे कुछ और सुनाओ और खाने के लिए कुछ अच्छा लेके आ. शिवा भी तब गुस्सा होकर उधर से चला जाता है, और गुड्डू जैसी से फ्लर्ट
करना शुरू कर देता है, उसे पहले दिन ही आई लव यू बोल देता है। फिर क्या था, वो जेसी को मनाता गया और जेसी भी उसके तरफ खींची चली जाती है। और वो ये भी देखता है कि आसपास शिवा सबको ट्रेनिंग करा रही है और इधर जेसी भी, मानो वो लोग कोई जंग का तैयारी कर रहे थे। गुड्डू और जेसी के बीच में प्यार बढ़ता गया। वो लोग एक दिन बाइक से घूम रहे होते हैं, तभी एक खूंखार आदमी का गैंग आके जेसी को उधर से उठा के लेके जाते हैं। गुड्डू जेसी को बचा नहीं पाता, वो शिवा के सामने आके वो बोलता है हमको जेसी को बचाना पड़ेगा। शिवा बोलता है मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तुम्हें अगर जेसी को बचाना है तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा, ये तो इधर रोज होता है। जेसी को बचाने के लिए शिवा उधर जाता है और रिंग में उसकी जम के धुलाई होता है। पर गुड्डू के पास एक वरदान था, वो लोगों की फाइट स्टाइल देख के बता सकता था किसी की वीक पॉइंट क्या है, किसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। वो शिवा से आके बोलता है कल से मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा और मुझे पता चल गया उस आदमी का वीक पॉइंट क्या है, उस पे ही मैं वार करूंगा और मेरी जेसी को मैं छुड़ा के लाऊंगा। फिर अगले दिन से गुड्डू की ट्रेनिंग शुरू होता है। शिवा उसको ट्रेनिंग कराता है, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग, मानो मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग वगैरह की पूरी ट्रेनिंग गुड्डू को दिया जाता है। फिर फाइनली जब गुड्डू रेडी होता है वो रिंग में जाता है और उस आदमी को दो बार में ही नॉकआउट कर देता है। जब वो उसको नॉकआउट कर रहा था उधर जेसी और शिवा बैठे हुए थे, क्योंकि ये उन दोनों की प्लान थी। जेसी बोलती है गुड्डू हम लोगों के लिए फाइट कभी नहीं करेगा, पर वो मेरे लिए करेगा, और इसीलिए उसने ये पूरा प्लान रचा था, और इस वजह से गुड्डू को पूरा ट्रेनिंग भी मिल गया। जब गुड्डू फाइट जीत जाता है ऊपर देखता है उधर और कोई नहीं, जॉन और सीनियर आए थे। गुड्डू जेसी के पास ना जाके जॉन के पास जाता है और जॉन को हक कर लेता है और उन लोगों के साथ वो चला जाता है। और इधर जेसी और शिवा की पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। और दूसरी तरफ सीनियर से गुड्डू को पता चलता है कि उन लोगों ने काइजर को मार दिया है। तब जॉन से गुड्डू मानवाली करके ये बोलता है आज तक तुम्हारे लिए मैं फाइटर ढूंढता था, पर मुझे आज पता चला मैं ही बेस्ट फाइटर हूँ, तुम मुझ पे दाव खेलो बहुत पैसे कमाओगे, और आज से मैं तुम्हारे नीचे नहीं तुम्हारे साथ काम करूंगा और धीरे धीरे मैं दालिनी का भी फेवरेट बन जाऊंगा। दालिनी को आज तक किसी ने देखा नहीं है। और इधर जेसी बहुत परेशान थी क्योंकि गुड्डू के साथ बिताई हुए हर एक पल वो याद कर रही होती है। वो शिवा को बिना बताए अपने भाई के साथ वही शहर में जाने की कोशिश कर रही थी जहाँ पर बड़े लोग रहते हैं, पर उधर जाते हुए जेसी का भाई मारा जाता है और जेसी को क्लब के बाहर पकड़ लिया जाता है। तब गुड्डू उसके पास आता है और बोलता है तूने क्या सोचा था मैं इन लोगों का हाथ छोड़ दूं जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दिया। और गुड्डू के गार्ड से बोल देता है इसे मारना मत, जेसी को छोड़ दो। तब जेसी रोती रहती है और बोलती है तुमको पता नहीं तुम्हारे दादाजी को जॉन के लोगों ने ही मारा था। पर गुड्डू मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलता। गुड्डू अब कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए वो सोनिया से बोलती है मैं दालिनी को बहुत पैसे कमा के दूंगा, तुम ओपन मार्केट कर दो, गरीबी एंड अमीरी दोनों मिलकर एक दाव लगाएंगे और उनका सब कुछ हम छीन लेंगे। गरीब बस्ती वाले लोग मुझे गणपत समझते हैं, उनका सारा पैसा वो मेरे ऊपर लगा देंगे, ये आखिरी उम्मीद में कि मैं उनका लाइफ चेंज कर दूंगा, पर तुमको पता है हम किसके साथ है। सोनिया पहले तो बहुत सोचती है पर बाद में जॉन बोलता है इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। फिर क्या था, गरीबों के तरफ से गणपत मतलब गुड्डू लड़ता है और अमीरी के तरफ से और एक फाइटर लड़ता है। गरीब बस्ती वालों को लग रहा था कि गणपत उनका किस्मत बदल देगा और लड़ाई शुरू होता है और गुड्डू उस फाइटर को मारता रहता है और गरीब लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमारा गणपत वापस आ गया। और वो जॉन को इशारा करता है कि तुम तुम्हारे सारे पैसे लगा दो, मतलब ये होता है कि अगर गुड्डू जीत जाता है तो गरीब वालों को सारे पैसे मिल जाएंगे, अगर गुड्डू हार जाता है तो गरीबों का जो कुछ भी है वो जॉन को मिल जाएगा। गुड्डू पहले उस फाइटर को मारने के बाद खुद हार रहा था और उस फाइटर से मार खा रहा था और गरीब लोगों का होप टूट रहा था, पर आखिरी मिनट में वो जय गणपति बोल के उस फाइटर को हरा देता है और सारे गरीब लोग जय जयकार करने लगते हैं, मतलब जॉन का पूरा पैसा गरीब लोगों में बढ़ जाएगा। गुड्डू तब जॉन से बोलता है मुझे सब पता है, मेरे दादाजी दलपति को तुमने ही मरवाया था और मेरे पापा और कोई नहीं शिवा है जिससे मैं ट्रेनिंग ले रहा था, मैं चाके भी उनको पूरा प्लान नहीं बता सकता था क्योंकि बहुत रिस्क था, क्योंकि इस प्लान में मैं तुम्हारा सब कुछ लेने वाला था। और गुड्डू दालिनी को जोर से पुकारता और बोलता है अब तो कायर बुजदिल खुद की शक्ल दिखा। फिर हम देखते हैं दालिनी को जो कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से उसके सामने आया था, वो पूरा गुड्डू का हमशक्ल था पर उसके आंखें नहीं थे। वो बोलता है गुड्डू तुम किसे मारने की बात कर रहे हो, ना मेरा शरीर है ना मेरा दिल। देखने से लग रहा था कि दालिनी एक सुपर कंप्यूटर से रन होता है, लाइक एआई सॉफ्टवेयर। तो इधर ही द गनपत द हीरो बॉर्न मूवी खत्म हो जाती है। पर आप लोग वीडियो को छोड़ के जाना नहीं, मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट है, गिफ्ट और कुछ नहीं आप लोगों के लिए एक लाइफ टाइम फ्री सर्विस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से और पिन कमेंट के पहले लिंक से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा, आप देख के समझ के हमारे ग्रुप में जल्द ही ज्वाइन हो सकते हो, आपको बहुत पैसे का फायदा होगा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप,
अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।